नमस्कार, आज आप जुड़े हैं द फैक्ट आई के साथ और आज ले चलते हैं आपको लोगों के बीच बताने कि जो बाबा राम रहीम के बारे में आजकल जो भी विचार मीडिया दिखा रही है, लोग सोच रहे हैं उस बारे में लोगों का क्या कहना है और उनकी क्या राय है, पूछते हैं लोगों से जाकर उन्हीं से। ना कोई तथ्य बनाएंगे, ना कोई बातें बनाएंगे, सिर्फ सच दिखाएंगे लोगों के साथ। आपका नाम? सुरेश इंसा। बाबा राम रहीम की आज के ज़माने को कितनी ज़रूरत है? देखो, ये तो जो सच की राह पे चलते हैं उनको कोई ना कोई तो कष्ट उठाना पड़ता है, वही बाबा के साथ हो रहे हैं। और जो गलत काम कर रहे हैं और जो साथ देने वाले गलत काम, मीडिया जैसे कोई भी हो, इसमें हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। वो यही है सच की राह पे, सच सच का जो मार्ग जो दिखाया है। हम भी जुड़े हुए हैं 2001 से और हमें पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। किस तरीके के कार्य चलाते बाबा राम रहीम? जैसे कि सफाई अभियान, भ्रूण हत्या और नशा छुड़ाना और बहुत से ऐसे कार्य हैं, 133 कार्य हैं ऐसे। मतलब आज बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, क्या फिर भी ये सारे कार्य यूं ही चलते हैं? बिल्कुल चलते रहेंगे, आखिर तक चलते रहेंगे। हमने खुद जब तक हम हमारे अंदर सांस है तब तक हम करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। देश की मीडिया, समाज और सरकार से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे इस माध्यम से? देखो, सच को दिखाएं, जितना सच दिखाओगे उतना ही ठीक है। झूठ तो हर कोई जल्दी पकड़ता है, सच को कोई नहीं पकड़ता आजकल। धन्यवाद।